हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम से आमिर, आप देख हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैनल। तो अगर आप सब चैनल पर न्यू आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, वो सारे वीडियो हंड्रेड फ्री होते हैं। तो चलो हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो गाइस, फाइनली यार वी आर बैक अगेन। और आज का टॉपिक है कि कैसे आप सब अपना कंट्रोल सेटिंग अच्छा कर सकते हो। अगर आप सब फोर फिंगर, फाइव फिंगर, कितने ही फिंगर खेलना चाहते हो, कैसे आप सब कंट्रोल सेटिंग अच्छा कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ दिक्कत होता है कि वो सही तरीका से एम नहीं लगा पाते हैं या फिर खेल नहीं पाते हैं। तो कैसे आप सब स्मूथ तरीका से खेल सकते हो, बहुत ही परफेक्ट तरीका से, और एक प्रो प्लेयर बन सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन सकते हो, कैसे आप सब बन सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहला देखो यार, मेरा फोर फिंगर सेटिंग क्या हुआ, मैं आपको कंट्रोल सेटिंग दिखाता हूँ और मैं भी गलती क्या करके बैठा हूँ, मैं भी एक गलती करके बैठा हूँ जो आप लोग ना करो। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं फोर फिंगर सेटिंग करके रखा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, अगर आपसे कोई लेना है तो ले भी सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, तो यहाँ पे देखो जो फोर फिंगर सेटिंग करके रखा हूँ मैं, राइट और लेफ्ट साइड का दोनों जॉयस्टिक एक साथ रखा हूँ। तो दोनों एक साथ आपको नहीं रखना है, क्योंकि राइट साइड का जो जॉयस्टिक है उससे क्या होता है, जैसे आप सब एम करते हो उससे आप सब कैमरा एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो उससे आपका कैमरा एंगल भी चेंज हो रहा है सिर्फ जॉयस्टिक को हिलाने पे। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप सब एम करते हो उससे कभी कभी आपका एम भागने लगता है और सही तरीका से वो फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये कैमरा एंगल जब आपका चेंज होएगा तो कैसे आप सब कर पाओगे। तो उस वजह से क्या होता है, आप सभी को कभी भी राइट जॉयस्टिक को एक साथ और लेफ्ट साइड को जॉयस्टिक एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड का जॉयस्टिक जो कभी भी हिलता नहीं है वो परफेक्ट लगेगा, जहाँ आप लगाओगे वहाँ ही लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, जहाँ आप मारना चाहो उधर ही लगेगा। पर राइट साइड के जॉयस्टिक को आप अगर साथ में रखोगे तो वो बेकार है, कोई काम का नहीं है, उसको आपको हटाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कस्टमाइज सेटिंग में जाना। कस्टमाइज सेटिंग में जाने के बाद इसको आप सब दो तरह का यूज कर सकते हो, या फिर आप सब इसको डिसेबल कर दो, यहाँ से आप सब जाओ हाइड एंड डिसेबल कर लो, आपका ये खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरा उपाय क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको दूसरा उपाय क्या है कि इसको आप सब हाइड मत करो, इसको आप सब छोटा कर लो, छोटा करके इसको आप सब नीचे कर लो, नीचे करके आप सब इसका साइज को एकदम बिल्कुल छोटा सा रख लो। इससे क्या होगा कि अगर आपको कभी कभी दो फिंगर को खेलने का मन नहीं, अगर आपको फोर फिंगर को खेलने का मन नहीं कर रहा है, तो आसानी तरीका से आप सब खेल सकते हो, ये चीज़ आप सब ध्यान रखना। बाकी आपको जो ऊपर के जॉयस्टिक थे, लेफ्ट साइड के जॉयस्टिक, उसको आपको ऊपर के साइड में शिफ्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आप सब आसान तरीका से खेल सकते हो। ये तो मस्त तरीका रहा जिसके तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दो फिंगर करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे मैं फोर फिंगर खेलता हूँ, कभी कभी दो फिंगर भी खेलना रहेगा तो दो फिंगर भी खेल सकता हूँ, देख सकते हो। तो दो फिंगर आप फोर फिंगर दोनों का मजा एक साथ आप सब ले सकते हो, अपने सिचुएशन को देखते हुए आप सब दोनों चीज़ अपने तरीका से आप सब जो भी चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, जिस हिसाब से आप सब चाहते हो। और एम देख सकते हो कितना परफेक्ट लग रहा है, ऐसा नहीं कि एम आपका गड़बड़ाएगा, एम भी आपका गड़बड़ाएगा नहीं। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिक्स एक्स यूज करके, जैसे कि मैंने इसको सेटिंग कर दिया। अब मैं दूर इसको दूर दूर जगह मैं आपको एम करके दिखा दूँ, इससे जिससे क्या होगा कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एम किया, देख सकते हो। ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट गोली लगभग में वहाँ ही लग रहा है, 90% गोली उधर ही लग रहा है, देख सकते हो। देखो फिर भी देख सकते हो 6x लगा के कितना दूर मैं मार रहा हूँ। AKM में चलो ट्राई करते हैं 6x, AKM में भी 6x ट्राई करेंगे, AKM में क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हो AKM में मैं 6x को कितना 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 लगभग में उधर ही स्प्रे हो रहा है जहाँ पर मैंने एम किया। अगर आप सब इसके अंदर आप सब इसके अलावा और भी अच्छा तरीका सेटिंग करोगे तो आप सभी को और भी बढ़िया हो जाए। जैरो अगर आप सब यूज करते हो, जैरो से आप सभी का डिस्प्ले को भी अगर आप सब ऊपर नीचे करोगे उससे भी आप सब अपना स्प्रे का कंट्रोलिंग आप सब बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। विदाउट जैरो में यूज करो, सोच सकते हो विदाउट जैरो में इतना अच्छा आप सभी का एम लग रहा है, ठीक है। अगर आप सब 3x स्कोप लगा लोगे तो वो देख सकते हो कितना सटीक तरीका से गोली लग रहा है, देख सकते हो एकदम बिल्कुल जहाँ पर मैं एम कर रहा हूँ वहाँ ही बिल्कुल सारा का सारा गोली जा रहा है। सोचो या अगर आप सब लेट के मारोगे तो, चलो लेट के अगर आप सब मारोगे तो समझो कि लेट के मारोगे तो बिल्कुल सारा गोली उधर ही जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ लेट के मार के, जैसे कि लेट के मैंने मारा, देखो 0% रिकॉइल यार, 0% रिकॉइल देख सकते हो, बिल्कुल 0% रिकॉइल, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अगर आप सब स्प्रे करना चाहते हो तो लेट के करोगे, बट ये सेटिंग आप सब कर लेना कि राइट साइड का जॉयस्टिक लेफ्ट साइड का जॉयस्टिक को एक साथ बिल्कुल मत रखना। देखो अब AKM का स्प्रे देखो कितना स्मूथ हो रहा है, सोचो यार AKM में 6x लगा के खेल रहा हूँ, सोच सकते हो कमरी बात है, सोच सकते हो आप सब। बाकी पहला सेटिंग तो ये हो गया, दूसरा सेटिंग क्या हुआ मैं आपको वो भी बता देता हूँ जिससे आप सब गलती ना करो। दूसरा सेटिंग क्या हुआ
जैसे कस्टमाइज सेटिंग जो भी आपका ऐसा कोई जॉयस्टिक जो कि एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, एक साथ मतलब जैसे कि आप सब स्प्रिंट लॉक नहीं कर सकते, स्प्रिंट लॉक जो इसको इस बटन को बोलते हैं स्प्रिंट लॉक और इसको पॉन एक साथ आप सब कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना, तो उसको आप सब एक साथ आप सब जॉयस्टिक को चाहोगे तो स्प्रिंट लॉक और उसको आप सब एडजस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप लोग एक साथ नहीं कर सकते। गन चेंज करने का, गन जैसे गन चेंज करने का स्प्रिंट लॉक करने के साथ आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो जॉयस्टिक को, जिससे कि आपका एडजस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा। और जो भी जॉयस्टिक आपको अगर अच्छा नहीं लगता है उसको आप सब बंद भी कर सकते हो, अगर आपसे को जो भी जॉयस्टिक को अगर आपको फीचर नहीं चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी जॉयस्टिक को बंद करना हाइट करना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी किसका कम करना है, इसका ट्रांसपेरेंसी का मैं कम कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे डिस्प्ले खाली खाली दिखाई देगा और आसानी से मैं किसी भी चीज़ को खेल पाऊँगा। ये तो रहा प्रो टिप्स। बाकी यार एक चीज़ आप सब पूछते हो कि भाई मैं क्या करूँ जिससे कि हम और भी अच्छा तरीक़ा से खेल सकते हैं, और कितने फिंगर खेलना चाहिए। देखो यार फिंगर की जहाँ तक कि मैं बात बताता हूँ, फिंगर अपने हिसाब से एडजस्ट करो। बहुत सारे इंडिया का टॉप प्लेयर है, प्रो प्लेयर है, वो सब टू फिंगर खेल रहे हैं, ठीक है, और टॉप पे बैठे हुए हैं। आप लोग में से काफ़ी सारे यूट्यूबर या फिर बहुत सारे प्रो प्लेयर का नाम जानते होंगे, उनका नाम आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कौन कौन से प्लेयर है जो टॉप फिंगर खेल के भी टॉप पे बैठे हुए हैं। तो फिंगर मैंने नहीं रखता है, और फिंगर से सिर्फ ये होता है आपका रिफ्लेक्शन बढ़ता है, तेज़ी बढ़ता है, बाकी आपका स्किल मैंने रखता है कि आप कितने स्किल से खेल रहे हो। अगर आप सब फोर फिंगर भी खेल रहे हो, स्किल आपके पास नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप सब टू फिंगर से भी खेलो आपके पास स्किल है तो बहुत ही कुछ कर लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना अपने हिसाब से खेलना। वैसे मेरे हिसाब से बोला जाता है थ्री फिंगर कम से कम खेल लो, थ्री फिंगर नहीं खेला जाता है तो टू फिंगर खेलो, पर थ्री फिंगर कम से कम शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा ज़्यादा खेलना है तो फोर फिंगर खेलो, उससे ज़्यादा अगर आप सब एक्सट्रीम प्रो प्लेयर हो फाइव फिंगर सिक्स फिंगर भी खेल सकते हो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गेम ही है, गेम को अगर आप सब जितना स्किल आप सब डेवलप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा मेरे हिसाब से, आप सभी को मैंने आपको जो समझाया आप सब समझ गए होंगे। ये है पार्ट वन वीडियो जो मैं प्रो लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सभी को और भी वीडियो देखना पसंद है इस तरीके से आप सबको बताना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बिजी माई को लेकर आप सब वो भी बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना, मैं फिर बोलता हूँ गुड बाय, थैंक यू।